गाइज तो कैसे हो आप लोग, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्वा वर्ल्ड। सो गाइज, आज काफ़ी दिनों के बाद, एक लंबे वेट के बाद, मैं फाइनली बनाने जा रहा हूँ अपने एक गप्पी फिशेस के लिए एक पॉन्ड। काफ़ी दिन से मेरे पास बहुत सारी गप्पीज हो गई थी और ओवर क्राउडेड हो गई थी मेरे टैंक में, तो मैंने सोचा है कि उन्होंने गप्पी फिश का एक पॉन्ड बनाया जाए, जिसके लिए मैं बहुत ही स्पेशल टाइप की गप्पीज खरीद के लाया हूँ, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा आगे। लेकिन पहले मैं बताता हूँ कि मैं कैसे पॉन्ड सेटअप करने वाला हूँ, क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे, और लास्ट में आप लोग के सरप्राइज में बहुत ही ज़्यादा एक्जॉटिक गप्पीज परचेज करके लाया जो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले चलो पॉन्ड बनाने का प्रक्रिया शुरू। पॉन्ड बनाने के लिए मुझे जो बेसिक मटेरियल चाहिए, यानी कि जो टब मुझे चाहिए, मैं एक प्लास्टिक का टब लेके आया, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। और काफ़ी अच्छा कलर मुझे मिल गया, काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल प्राइस में। ये देखो इस टब में हम लोग बनाने वाले हैं। इसमें हम लोग की सारी गप्पीज काफ़ी अच्छे से दिखेंगी, क्योंकि जो ब्लैक वाला टब इसमें अच्छे से दिखती नहीं, पर अब की सब कुछ अच्छे से दिखे। सो गाइस, हमारा गप्पे फिश वाला पॉन्ड यहाँ पर बनने वाला है, हमारे जस्ट गप्पे फिश के बेबीज वाले पॉन्ड के बगल में। पहले मैंने इसको इस साइड बनाने का सोचा था, लेकिन वहाँ पर जो पाइप है, वहाँ से बारिश का पानी नीचे उतरता वो इसमें आ जाएगा, इसलिए मैंने इस साइड बनाने का सोचा है। फाइनली सबसे पहले हम लोग यहाँ की थोड़ी सफाई कर लेते हैं, इसके लिए मैंने अपनी झाड़ू को उठा लिया और हम लोग इससे सारा कूड़ा हटा लेंगे। सो गाइस, पत्ती वत्ती तो मैंने साफ कर ली, लेकिन हम लोग इस ग्राउंड में थोड़े से चेंजेस करेंगे। एक्चुअल में क्या चेंजेस करेंगे कि हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा ऐसा कुछ खोदेंगे, ताकि जो हमारा नया वाला टब है वो इस वाले टब के बराबर लेवल में आ सके, जिसके लिए मैंने अपनी खुरपी ले ली है। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा मेहनत मशक्क़त के बाद मैंने खोद लिया। हम लोग अपने टब को रख के देखते हैं, अगर ये अच्छे से फिट बैठ रहा है तो आप आगे नहीं खोदेंगे। हाँ ये बैठ रहा है, ओके ठीक है। मतलब इसके बाद में मैंने ले जाके इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, और फिर मैंने इसको प्लेस करना है बस। हाँ बस ऐसे सही है, हाँ बस बैठ गया, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो साइड्स की जो निकली हुई है मिट्टी विट्टी, उसको वापस से सब कुछ सेटल कर देंगे इस खुरपी की मदद से। चलो पहले ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक वाला काम कंप्लीट करते हैं, फिर आगे दिखाता हूँ। तब तो मैंने फाइनली गाइस फिट कर लिया है। इसके बाद में हम लोग हाइडिंग प्लेस के लिए ये मटका ऐड करेंगे, देख सकते हो। इसमें मैंने पीछे से ये होल बनाया है, जस्ट बिकॉज हमारी जो गप्पी के फ्राइज़ हैं, अगर फ्राइज हों वो दोनों तरफ से निकल सके, पास आउट होके भाग सके, तो इसलिए मैंने ये होल बनाया है। सो इसको भी फिट कर लेते हैं अच्छे से, पहले हो जा। सो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार के बाद मैंने डिसाइड किया कि हम लोग इसको एकदम सेंटर में प्लेस करेंगे, जहाँ से बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके बाद में है मेरे पास कुछ रॉक्स, देख सकते हो आप लोग, जो मैंने अपने टैंक से निकाले हैं, तो इससे हम लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि ये हिले डुले नहीं अच्छे से। काफ़ी ज़्यादा सुंदर रॉक्स हैं ये, देख सकते हो आप लोग, जो रिवर के साइड में मिलते हैं वही वाले रॉक्स हैं, तो इनसे हम लोग इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। सो गाइज, अगर आप लोग सोच रहे हो कि लाइट ऐसे झिलमिल झिलमिल ऐसे क्यों आ रही, तो एक्चुअल में कारण क्या है कि ऊपर एकदम सन देवता है, सूरज देवता, और बीच में पेड़ है, जिसकी वजह से पेड़ की पत्तियां जो लाइट रोक रही हैं वो रुक जा रही है, और बाकी की लाइट बस उस पर पड़ रही है, इसलिए ऐसा झिलमिल झिलमिल सा सीन हो रखा है। लेकिन चिंता मत करो, मैं इसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए तो 2-3 बज रहे हैं, इसलिए ऐसे ही लाइटिंग आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो गाइस, इसके बाद में हम लोग प्लांट्स को ऐड करना शुरू करते हैं, जिसके लिए मेरे पास सबसे पहले मैं ये हाइड्रिला, जिसको मैंने एकदम रूट से अभी ताज़ा लाया है, देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा ग्रीन। अगर आप जानना चाहते हो कहाँ से, तो मैंने इस वाले पॉन्ड से इसको चुराया है कह सकते हो, क्योंकि इसके पास बहुत सारे थे, इसलिए मैंने यहाँ से थोड़े हाइड्रिला ले लिए। तो इसको भी हम लोग फिट करते हैं इस मटके के पास में। अगर आप लोग जानना चाहते हो कि मैंने इसमें सब्सट्रेट क्यों नहीं ऐड किया, तो उसका कारण बस ये है कि मेरे पास अभी कोई भी सब्सट्रेट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भाई गप्पीज इतनी महंगी थी कि मैं सब्सट्रेट तो खरीद ही नहीं पाया। लेकिन चिंता मत करो, जल्दी लाएंगे। तो ये फाइनली एडजस्ट हो चुका है, इसके बाद में ये ड्रिफ्ट फुट जाएगी सुंदर सी, जो कि मैंने गप्पी वाले फिश वाले पॉन्ड से ही निकाली है, क्योंकि उसमें ये अच्छे से मुझे दिख भी नहीं रही थी, क्योंकि वो ब्लैक कलर का टब है, इसलिए इसमें से अच्छे से दिखेगी इसकी ब्यूटी। तो इसको भी फिट कर लेते हैं इस रॉक की मदद से जल्दी से। अब थोड़ा सा लुक आने लगा एक्चुअल में पॉन्ड का। इसके बाद में थोड़े से और प्लांट जो मेरे पास अवेलेबल हैं, जो कि मुझे अपने टैंक से निकालने पड़ेंगे गप्पी फिश वाले, तो उसको हम लोग डालेंगे।
और इसके बाद में मेरे पास कुछ अच्छे से पॉट किए हुए हमारे वाटर हिसॉप यानी कि ब्राह्मी देख सकते हो आप लोग, कितनी बड़ी बड़ी सी कितनी ग्रीन स्टेम है इसकी। और ये मैंने पॉट में ही लगा के मैंने डायरेक्ट उठा के ले आया गप्पी फिश वाले टैंक से, तो इनको भी हम लोग ऐड कर देते क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सनलाइट मिल रही है इसलिए काफ़ी जल्दी ये ग्रोथ करेंगे। बाद में जब इनकी स्टेम बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो मैं एक दो निकाल के वापस से अपने टैंक में लगा दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने यहाँ प्लांट्स लिए ज़्यादा तो मेरे पास है नहीं प्लांट्स। सो ये भी फाइनली हो चुका है। वाटर को ऐड करना हम लोग धीरे धीरे से शुरू करेंगे, जिसके लिए मैंने अपना मग्गा वग्गा ले लिया है। तो चलो धीरे धीरे से वाटर को ऐड करते हैं। इस मटके पे ही ऐड कर रहा हूँ ताकि पानी की फोर्स से जो हमारा सेटअप है वो बेकार ना हो जाए, हिले डुले नहीं। तो सबसे पहले वाटर को ऐड कर लेते हैं। गाइज लगभग मोटी मोटी चीज़ें तो मैंने सारी इसमें कर दी हैं, हाइडिंग प्लेस भी डाल दी, प्लांट्स भी डाल दिए, सब कुछ कर दिया। अब बस एक दो चीज़ें रह गई हैं और फिशेस को डालना बाकी रह गया है। अरे रुको रुको रुको, मेन चीज़ तो मैं भूल ही गया, ये एड वाली दवाएं डालना जो कि शॉपकीपर ने कहा था कि बहुत ज़रूरी होती है फिशेस के लिए। तो ये सबसे पहले मैं गई एंटी क्लोरीन, इसके बाद में एंटी फंगल, और इसके बाद में एक और होगी, हाँ ये रेड स्पॉट की कुछ है। सो डाल देते हैं, डालने में क्या जा रहा है। और इसके बाद में छन्नी की वजह से हम लोग चला लेते हैं अच्छे से। सो गाइज हमारे पॉन्ड में जब तक चीज़ें सेटल डाउन हो रही, मैं आप लोग को दिखा दूँ कि इसमें कौन कौन सी फिशेज मैं ऐड करने वाला हूँ। एक्चुअल में फिशेज नहीं, कौन सी गप्पीज मैं ऐड करने वाला हूँ मैं आप लोग को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इनको देखो, ये देखो कुछ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पेयर्स ऑफ गप्पीज, ये देखो सबके सब मेल्स हैं और सब डम्बो एयर ब्लू गप्पीज हैं। मैं आप लोग को दिखाता हूँ करीब से, ये देखो टोटल 6 हैं यानी कि 3 पेयर्स और सबके सब मेल्स हैं, डम्बो एयर ब्लू गप्पीज। अगर आप लोग को इनका नाम पता मुझे बताना। और ये जाने वाली हैं हमारी इन गप्पीज के साथ जो कि हैं सब फीमेल्स। एक्चुअली मेल 6 थे तो मैंने फ़ीमेल एक ज़्यादा लिए, 7 मेरे पास थोड़ी सी कम है फीमेल्स, लेकिन फिर भी 7 फीमेल्स मैंने लिए हैं देखो। सो ये दोनों जाएंगी हमारे नए वाले पॉइंट में और मैं इनकी कराऊंगा सेलेक्टिव ब्रीडिंग, तो बने रहना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं। सो इसके बाद में चलो इसको एक्लिमेशन के लिए डालते हैं। सबसे पहले हमारे मेल्स को एक्लिमेशन के लिए डालते हैं क्योंकि ये पॉलीथिन में है इसलिए इनका एक्लिमेशन तो डायरेक्ट हो जाएगा। इनको बस मैं ऐसे ही इनकी जो पन्नी है इसको उठा के मैं पॉन्ड में डाल दूंगा और एक्लिमेशन हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग, बस ऐसे ही मैं इनको 15 मिनट के लिए छोड़ने वाला हूँ। लेकिन मेन एक्लिमेशन ज़रूरी है फीमेल्स का क्योंकि वो पन्नी में नहीं, इसलिए उनके लिए मुझे कुछ और जुगाड़ लगाना पड़ेगा एक्लिमेशन कराने के लिए। लेकिन चलो इनका भी एक्लिमेशन कराएंगे। बिना एक्लिमेशन कराए गाइस कभी मत ऐड करना अपनी फिशेस को, शौक लग सकता है। सो इनके एक्लिमेशन के लिए मेरे पास है ये जुगाड़, ये हाजिर है आपके सामने। इस पाइप से हम लोग इनका एक्लिमेशन करेंगे। सो गाइज हमारी दोनों मेल और फीमेल का एकदम मस्त सा एक्लिमेशन चल रहा है। वो देखो मेल्स पन्नी में पड़ा हुआ और ये फीमेल्स, ये देखो यहाँ से ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर इस कंटेनर में आ रहा है और इसे कहते हैं ड्रिप एक्लिमेशन, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हो इनका एक्लिमेशन कराने के लिए, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है। सो फाइनली 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब इसके एक्लिमेशन प्रोसेस को बंद करते हैं नहीं तो पानी फीमेल्स का बाहर ही आ जाएगा। और इनको खोलते हैं चलो एक एक करके। सबसे पहले मैं मेल्स की जो पॉलीथीन है काफ़ी ज़्यादा टाइट रबर बैंड थी गई, इसको खोलने में बहुत हाथ दर्द हो रहा है मेरे अभी तक, लेकिन ये खुल गई थी फाइनली। सो इसके बाद में इनको मैंने ऐड कर दिया एक एक करके धीरे धीरे से, फोर्स नहीं करना, एकदम आराम से इन लोग को जाने देंगे। और ये हमारी मेल सारे जा चुके हैं, देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल कलर लग रहा है, मस्टर्ड कलर के टब में एकदम मस्त सा इनका ब्लू कलर दिख रहा है, शाइनी, सारी रॉयल ब्लू में। इनका नाम आप लोग मुझे ज़रूर बता देना। और इसके बाद में हम लोग फीमेल्स को ऐड करते हैं, इनको भी वाटर के साथ ही ऐड करना है। और इनके साथ में कुछ डकवीट भी आ गई थी तो ये भी चलो मैंने निकाली नहीं, पड़े रहने दो। सो फीमेल्स भी हमारी जा चुकी हैं एकदम बढ़िया से, देख सकते हो आप लोग। सो पॉन्ड हमारा बनके तैयार हो चुका है, एकदम सच सवर के एकदम रेडी हो चुका है हमारा पॉन्ड, देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। अब आने वाले टाइम में मुझे इसमें थोड़े नहीं बहुत ही ज़्यादा चेंजेस करने, क्योंकि अभी ये तो सिर्फ एक जैसे लग रहा है कि टब में मैंने पानी भर दिया, थोड़ा सा सामान डाल दिया। आप लोग प्लीज़ ऐसा कोई कमेंट मत करना, मेरे पास एक्चुअल में सब्सट्रेट सच में नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला, लेकिन फिर भी मुझे जल्दी ही सब्सट्रेट लाना पड़ेगा। और मैं इसमें प्लांट्स तो बहुत ही ज़्यादा ऐड करूँगा, गप्पी ग्रास मेरे पास अभी थोड़ा सा कम है क्योंकि जो मेरे टैंक में वो एकदम सड़ चुका था, इसलिए मैं उसको वापस से ग्रो कर रहा हूँ और वो अभी बहुत ज़्यादा छोटा है। तो जैसे ही वो बढ़ेगा तो मैं उसकी स्टेम्स काट के इसमें ऐड करूँगा।
और मैं सोच रहा हूँ काफ़ी दिन से मैं जब वाइल्ड फिशिंग करने गया था तो मैं ज़्यादा प्लांट्स नहीं ले पाया था, सिर्फ फिशेज ही कलेक्ट करी थी, लेकिन अब मुझे प्लांट्स लेने एक बार दोबारा जाना पड़ेगा तो मैं वो भी जाऊँगा। फिलहाल के लिए आप लोग मज़े लो इस पॉन्ड के। इस पॉन्ड हमारा फाइनली सेटअप हो चुका है और फिशेज मैंने ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें एडिशनल प्लांट्स जो भी ऐड करूँगा मैं वो भी आप लोग को अपडेट दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मेरे पास जो प्लांट्स अवेलेबल थे मैंने वही ऐड किए हैं। तो कमेंट से बताना कि आप लोग को ये पॉन्ड कैसा लगा, अगर आप लोग के पास कोई चेंजेस मेरे लिए सजेशन है इसमें चेंजेस करने के लिए तो मुझे वो ही बताना। और वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आप लोग को एक्वा वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।